एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। बाइक यानी मोटरसाइकिल लेना है और दीपावली पर बहुत ज़्यादा खरीदारी, शुभ मुहूर्त देखकर लोग जो है बाइक लेते हैं, तो आप पैसे का कोई अड़चन इसमें आपकी बाइक लेने में नहीं आएगा। अगर आपको बाइक लेना तो पैसे की आप बिल्कुल टेंशन मत करना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ से आप बाइक के लिए लोन ले पाएंगे, लेकिन ये जो पैसा आपको मिलेगा ना भाई, ये पैसा बाइक के लोन के लिए ही मिलेगा। कभी आप यूँ सोचें कि भाई इस पैसे का उपयोग कहीं और कर लूँ, नहीं भाई, वो होता है पर्सनल लोन, जिसे आप किसी भी अपने व्यक्तिगत कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए पैसा दे दिया जाता है पर्सनल लोन के थ्रू, और फिर आप जो है जहाँ भी आपको यूज़ करना आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सभी का जो गवर्नमेंट स्कीम्स की लोन है वो भर के दिखा दी, गवर्नमेंट का कोई योजना नहीं छोड़ा, और एप्लीकेशन से जो लोन मिलता है RBI जो रजिस्टर्ड वो मैंने आपको बता दिया। आज मैं बाइक लोन, इसकी बड़ी डिमांड आ रही थी, सर दीपावली पर बाइक लेना है और ये वीडियो बताओ कि बाइक के लिए लोन कैसे लें। अब मैं स्टेप बाई स्टेप दिखाता हूँ। फोन पे ये आपका जो है सपना साकार करने जा रहा है, फोन पे से बाइक लोन मिलना शुरू हो चुका है। चार अलग अलग वो आपको जो है जिससे आपका मन करे उससे, जहां से आपको उचित लगे कि भाई ये सस्ते ब्याज में दे रहा है लोन, वहां से आप बाइक लोन ले लें। अब स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी योजना, छोटा आदेश, नए नियमों, योजना बदलाव, कोई घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अब स्टेप बाय स्टेप आपको लोन लेकर दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, और उसके अंदर आपको फोन पे टाइप करना है, और ये फोन पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। देन इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है, और मुझे उम्मीद है आप सभी का फोन पे अकाउंट बन रहा होगा। फोन पे जब ओपन करते हैं तो इसमें अपना बैंक डिटेल ऐड करना हो तो आपका फोन पे अकाउंट बना दिया जाता है। पहले तो एटीएम कार्ड से बनता था, अब तो एटीएम कार्ड का कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपका बैंक खाता खुला हुआ है तो आधार कार्ड से आपका फोन पे बन जाता है, फोन पे आपका आधार कार्ड से चालू हो जाता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ है आधार कार्ड से फोन पे कैसे चलाएं। पहले ये सिर्फ एटीएम कार्ड होता था, बैंक खाता है, अगर एटीएम कार्ड नहीं तो आपका फोन पे ही नहीं बनता था। अब तो भैया बैंक खाता है और आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से भी आपका बन जाता है, ठीक है। आपका बन रहा होगा मुझे उम्मीद है फोन पे आपको इसे, और सबका जो है इंस्टॉल आपका फोन पे है तो आपको इंस्टॉल करने का भी ये जरूरत नहीं है, आपको इसे इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं, आपका ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपको सीधा इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। दोस्तों जैसे ही आप फोन पे ओपन करेंगे, यहाँ से आप जो है पैसा ट्रांसफ़र करना हो, चेक बैलेंस हो, एक दूसरे अकाउंट में, ये आपका UPI ID होता है, मोबाइल रिचार्ज, लोन रिपेमेंट, क्रेडिट कार्ड, रेंट, और यहाँ आपको जो है आप नीचे स्क्रॉल डाउन करना है भाई, यहाँ आपको लोन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है लोन, ठीक है। यहीं जो है बाइक लोन आपको देखने को मिल जाता है, मैं बाइक लोन की इसमें चर्चा करूँगा, बाइक लोन मैं आपको लेकर दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी जो है गवर्नमेंट लोन जितना स्कीम से वो सारी मैंने वीडियो डाला हुआ है, पर्सनल लोन एप्लीकेशन से जो जो ऐप है, जेन्युइन ऐप है, जो सरकार की ऐप है, RBI से मान्यता प्राप्त जो ऐप है वो, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो आपके लिए डाला हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैं बाइक लोन आपको लेकर दिखाऊँ, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है, आप सभी जो है बाइक, ये हमेशा मिलता रहता है, दीपावली पर थोड़े ऑफर आ जाते हैं, बाकी तो ये जो है हमेशा बाइक लोन जो है यहाँ फोन पे देने का काम करता है। आपको इस बाइक लोन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही भाई आप बाइक लोन पर क्लिक करेंगे, यहाँ चार जो कंपनीज हैं, चार कंपनी आपको जो है बाइक लोन देने का काम करती हैं, L&T फाइनेंस, हीरो फिनकॉर्प, बाइक बाजार फाइनेंस। ₹1999 से इसकी EMI शुरू होती है, बजाज बाइक बाजार से अगर आप लेते हो, मुथूट कैपिटल सर्विस, ठीक है। आपको बाइक बाजार पर क्लिक, जो भी आपका है, मैं तो बाइक रैंडमली क्लिक कर रहा हूँ, जो भी आपका भाई, जो भी आपका है, ठीक है साथियों। जैसे आप जो उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ अपना पिन कोड जो भी, जो अब बाइक आपको चाहिए, पिन कोड टाइप करने के बाद अपना इंटर नेम आपको टाइप करना, नाम टाइप करने के बाद जो भी आपको बाइक चाहिए, गेट फाइनेंस नाउ पर क्लिक करना है, ये सारी डिटेल आपको फिल करते हुए, ठीक है। जैसे ही भाई आप इसके अंदर लॉगिन होंगे, जैसे मैं हीरो वाला आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ टू व्हीलर लोन, ठीक है, 6.99% का आपका यहाँ ब्याज दर लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, नो एडिशनल फीस और चार्ज कोई नहीं लगेगा, कैश रिपेमेंट, ठीक है, सुविधा आपके लिए, गेट योर क्रेडिट स्कोर फॉर फ्री, ठीक है। बाइक जो भी आपको, आप बाइक यहाँ से लेना है, ठीक है,
सबमिट योर डिटेल एंड ब्रिंग होम हैप्पीनेस। यहाँ सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम टाइप करना है, आपका मिडिल नेम आपको टाइप करना है, लास्ट नेम आपको अपना टाइप करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है आपको मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करना है, अपना पिन कोड आपको यहाँ टाइप कर देना है, स्टेट जो भी राज्य आपको वो राज्य टाइप कर देना है, यहाँ से जो सिटी है वो सिटी आपको टाइप कर देना है, करंट रेजिडेंशियल जो एड्रेस आपका है, क्योंकि मैं हीरो का इसलिए भर के दिखा रहा हूँ क्योंकि हीरो ऑल इंडिया फेमस है, लगभग जो है 100 बाइक जब बिकती हैं हिंदुस्तान के अंदर तो 90 बाइक हीरो की ही बिकती हैं, पर पहले ये हीरो होंडा होता था, अब ये हीरो हो गया है, ठीक है। साथियों इनका स्प्लेंडर जो मॉडल है वो बड़ा ज़बरदस्त फेमस मॉडल है, ठीक है, तो लगभग लोग ज़्यादातर जो है हीरो का ही बाइक खरीदते हैं, इसलिए मैं हीरो का भर के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ जो आपका रेजिडेंट एड्रेस है वो आपको बता देना है, सेलेक्ट मॉडल, अब जो भी मॉडल आपको चाहिए वो मॉडल यहाँ से आपको चूज कर लेना है, जो भी आप चाहिए, यहाँ पूरे इनके मॉडलों का सूची आ जाता है, यानी बाइक का नाम आपका आ जाता है, जो भी बाइक आपको चाहिए वो बाइक आपको यहाँ मॉडल देखने को मिल जाता है। सेलेक्ट लोन अमाउंट, अब जितना भी आपको लोन चाहिए भाई उतना लोन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद जितना टेंट्योर के लिए आपको चाहिए उतना यहाँ से, टेंट्योर मतलब जितने महीने के लिए चाहिए, ठीक है, अगर आप 12 महीने के लिए इस लोन को रखोगे तो भाई देखो ज़्यादा किस्त आएगी, अगर आप इसे जितना ज़्यादा रखोगे जितना ज़्यादा साल के लिए रखोगे उतना ही जो है कम किस्त आपको आपकी बनेगी। डू यू हैव एन बैंक अकाउंट, यस पर आपको क्लिक कर देना, देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना, जैसे ही भाई आप इसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका आगे इसमें बैंक डिटेल ये पूछ लेते हैं, बैंक डिटेल और आपको आधार कार्ड वेरीफाई ये करते हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है, ऑटोमेटिक इसके अंदर KYC हो जाता है, KYC होने के बाद जो है आपका ये बैंक डिटेल और ये सारी चीज़ें जो करने के बाद आगे इसमें आधार कार्ड आपका फिल होता है और पैन कार्ड और आपका बैंक डिटेल फिल होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हीरो की तरफ से जो फाइनेंस जो वो करते हैं, फाइनेंस करता है हीरो जो वो है, आप इनका जो एजेंट है वो आपसे कॉल या मैसेज के माध्यम से संपर्क साध लेगा, आपको वो कॉल करेगा, आपकी सारी डिटेल वेरीफाई करेगा और सारी डिटेल वेरीफाई करने के बाद वो आपको कह देगा भाई यहाँ से बाइक ले आओ, इतने का आपका लोन हो चुका है और यहाँ चले जाओ, ठीक है, आपके नज़दीक में, ठीक है। तो इस तरह जो है वो एजेंट या तो आपको वो बुला लेगा उसी एजेंट के पास, हीरो वाले जो है जिस एरिया से आप फॉर्म भर रहे हो तो आपका डिटेल तो इन्होंने ले लिया है, उसी एरिया का जो एजेंट है वो आपसे संपर्क साध लेगा और आपको बाइक के लिए लोन आप प्रोवाइड करा देगा और आपको बाइक दिलवा देगा। तो ये इसका पूरा प्रक्रिया रहता है, घर बैठे आप फोन पे से जो इस तरह बाइक के लिए लोन ले सकते हैं, बाइक लोन मतलब बाइक लोन ही है, ऐसा नहीं बाइक लोन के नाम पर आप पैसा ले लो और आप यूज उसे किसी दूसरी लोन करो, नहीं भाई, हीरो वाले बाइक ही देंगे उस लोग पैसे का, ठीक है। तो इस तरह आप बाइक के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, चैनल सब्सक्राइब।